एवरीवन। और अभी की मेरी जो व्लॉगिंग है वो स्टार्ट हो रही है मेरे किचन से, आप देख सकते हैं। अभी बज रहा है रात के 9 और आज हम लोग सिंपल खाना बना रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड हो गया, बहुत ज़्यादा तेल मसाला हो गया। तो मेरे पति देव ने बोला कि आज सिंपल सा खाना कुछ बनाओ, कुछ तड़क भड़क नहीं खाना है, बिल्कुल सिंपल। तो हमने बनाया है चावल, दाल, आलू का भुजिया और थोड़ी सी सब्जी है सुबह की गोभी आलू की, तो वो है। और पापा को मतलब 9 बज गए हैं, पापा को 20 मिनट पहले मैंने मतलब दे दिया है खाना। पापा तो चावल खाएंगे नहीं, शुगर पेशेंट हैं। अगर उनके लिए चावल बनाती भी हूँ तो हम लोग जो अरवा चावल खाते हैं वो नहीं, उसना चावल उनको देती हूँ। और उनके लिए रोटी बना दिया है मैंने गर्मा गर्म, और पापा को तो 20 मिनट पहले ही मतलब डिनर दे दिया है क्योंकि उनको दवाई खाना रहता है। तो अब हमारा जो खाना है, दाल बन चुका है, भुजिया बन चुका है और चावल चढ़ा हुआ है, तो चावल का वेट कर रहे हैं। चावल बन जाएगा तो फिर मैं, माँ और ये भी, हम लोग भी डिनर कर लेंगे। आप लोग आज क्या बना रहे हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सिंपल खाने खाने का तो अलग ही मज़ा होता है, आप लोगों को भी पता है। और मैं सच बोलूँ तो मुझे ज़्यादातर सिंपल खाना ही पसंद है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे जो है हमारा दाल है, दाल बना हुआ है। एंड मैं चिप्स भी छान दूँगी, इन्होंने बोला चिप्स भी खाना है चावल दाल के साथ। इधर आप देख सकते हैं वो हमारा भुजिया है आलू और प्याज का, और इधर चावल चढ़ा हुआ है और चिप्स छान दूंगी और सब्जी है, तो हो जाएगा अचार वचार मिला के घी वगैरह डाल के। छान लेती हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुका था। ये होममेड चिप्स बहुत लोग बनाते हैं और ये मेरी सासू माँ ने बनाया है। चलिए गैस बंद कर देती हूँ, तेल तो गर्म ही है। गैस का वेस्टेज नहीं करना है।